तो दोस्तों, सुपरस्टार अजय देवगन के मच एवेटेड फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जो कि एक एक्शन पीरियड फिल्म होने वाली है। फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में अजय देवगन के साथ हमें देखने को मिलेंगे संजय दत्त, शरद केलकर, सोनाक्षी सिन्हा और नोरा फतेही। आपको बता दें दोस्तों, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म 2020 में ही 15 अगस्त के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते इस फिल्म को थिएटर में नहीं रिलीज किया गया। उसके बाद दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया और अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का तो अनाउंसमेंट भी हो चुका है और उस फिल्म का ट्रेलर भी आ गया और 9 नवंबर को लक्ष्मी बॉम्ब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज भी होने वाली है। ऐसे में जितने भी अजय देवगन के फैंस हैं, उन सबका यही सवाल है कि जब लक्ष्मी बॉम्ब और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया दोनों ही फिल्मों के अनाउंसमेंट एक साथ हुई थी, ऐसे में लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म रिलीज होने वाली है, वही दूसरी तरफ अभी तक भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म को लेकर कोई अपडेट क्यों नहीं आई? यानी कि इस फिल्म को कब रिलीज किया जाएगा, फिल्म का ट्रेलर कब आएगा, इसके बारे में कोई नई न्यूज क्यों नहीं आ रही? तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर कर दें कि अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया अब 2020 में नहीं रिलीज होगी। इस फिल्म को देखने के लिए आपको 2021 का इंतजार करना पड़ेगा और इसकी वजह दोस्तों यह है कि फिल्म की जो शूटिंग है वो थोड़ी सी होना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म की लगभग 12 दिन की शूटिंग होना बाकी है, जो शूटिंग दिवाली के बाद अजय देवगन, संजय दत्त, नोरा फतेही और सोनाक्षी सिन्हा, ये 4 स्टार कास्ट मिलकर कंप्लीट करने वाली है। तो दोस्तों, जैसे ही इस फिल्म की जो बाकी शूटिंग है 12 दिन की वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इस फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो भी शुरू कर दिया जाएगा और उम्मीद लगाई जा रही है दोस्तों कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म को 2021 में 26 जनवरी के मौके पर रिलीज किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म आपको 26 जनवरी पर देखने को मिल सकती है। लेकिन उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अगर 26 जनवरी तक इंडिया के सभी थिएटर अच्छी तरीके से खुल गए तो हो सकता है कि इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ साथ थिएटर में भी रिलीज कर दिया जाए। वैसे दोस्तों, अगर आप अजय देवगन और संजय दत्त के फैन हैं तो क्या आप भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि ऑनलाइन देखना पसंद करेंगे या इस फिल्म को थिएटर में देखने जाएंगे? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।